नई रेसिपी आपको दिखाने जा रही हूँ, फ्रेंच राइस। और फ्रेंच राइस के लिए मैं यहाँ पे आलू ली हूँ, इसको छील लेते हैं धो के। इसको ऐसे ऐसे पीस में काट लेना है छील के, और ये देखिए चिप्स जैसा छील के काट लेना है। उसके बाद ऐसा शेप में काट लेना है, एक थोड़ा मोटा मोटा। और आपके पास मशीन है तो उसमें काट सकते हैं, नहीं तो चाकू से काटिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत धो लेते हैं। इसको थोड़ा उबाल लेते हैं 5 मिनट। फ्रेंच डालिए और यहाँ पे 2 गिलास के आसपास पानी बैठाएंगे एक बर्तन में। इसमें थोड़ा नमक मिला लेंगे। मैं यहाँ पे 2 आलू काटूंगी, उसके हिसाब से मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। 1/2 छोटा चम्मच नमक इसमें डाल देती हूँ और खोलने देते हैं पानी को, गर्म होने देते हैं। पानी लगभग गर्म हो गया है, इसमें डाल देती हूँ मैं आलू को। नमक डाल दी हूँ 1/2 चम्मच, ये देखिए डाल। और ये देखिए इसको लगभग 5 मिनट खोलने देते हैं आलू को। तब तक देखिए मैं चावल को धो लेती हूँ। यहाँ पे 2 कप मैं चावल ली हूँ और इसको मैं धो लेती हूँ। 1/2 किलो के आसपास चावल है, ये देखिए इसको धो लेते हैं पानी को अच्छी तरह से मलने को। ये देखिए धो के छान लेते हैं, इसको चावल को रेस्ट करने देते हैं 1/2 घंटा के लिए। चावल को रख देते हैं ढक को, थोड़ा देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, 2 मिनट और रखेंगे इसको। ये देखिए इसको देख लेते हैं नाखून गड़क, हाँ हो गया। ये देखिए इसको उतार लेते हैं, उतार लेते हैं, गैस बुझा दिए और इसको पानी से निकाल लेंगे। 5 मिनट रखना है पानी खोलने के बाद। इसको आलू को रखिए, इसका पानी सुखा लें। ये देखिए इसका पानी को सुखा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आलू को पोंछ दें, हल्का होला होला करके इसको पानी को सुखा लेते हैं। आलू ठंडा भी हो गया है और सूख भी गया है पानी इसका। और एक बर्तन में रख देते हैं इसको, फ्रीजर में रखेंगे अब इसको आलू को। इसको 1 घंटा के लिए इसमें रख देते हैं, बैठाएंगे गैस जलाएंगे और एक कढ़ाई बैठा देते हैं। और देखिए फ्रेंच राइस के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से पनीर लिए हैं, ऐसे टुकड़े में मैं काट ली हूँ 4 से 5 पीस। फ्रेंच स्टाइल में काटी हूँ पनीर को थोड़ा। और ये है गरम मसाला, ये चीनी, और ये देखिए नमक, एक तेज़पत्ता और 3 हरी मिर्चे हैं। इसको मैं यहाँ पे कढ़ाई में भूज लेती हूँ। काजू और किशमिश को देखिए, थोड़े से काजू थोड़े से किशमिश है। इसको मैं पहले, कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल देती हूँ। हल्का घी डालेंगे काजू किशमिश के लिए। पहले मैं काजू को फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए भूज लिए हैं काजू को, हल्का गोल्डन ब्राउन भूनना है। और किशमिश को मैं उसी घी में, अलग से घी नहीं डालना है, थोड़ा सा इसको भी भूज लेती हूँ। मैं डालूँगी घी देखिए, और ये जो मिर्चे हैं इसको मैं तल लेती हूँ, थोड़ा इसको तल लेती हूँ। फाड़ लिए इसका पेट, फाड़ लिए देखिए, इसको फाड़ लिए, बीच से चीरा लगा लिए, निकाल लेती हूँ। और इसी घी में मैं पनीर को डाल दूंगी तलने के लिए थोड़ा। पलट लिए हैं इस तरह से और गोल्डन होने देंगे थोड़ा, फिर निकाल लेंगे। निकाल लेंगे इसको, निकाल लिए हैं। और इसमें कढ़ाई में अब घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच घी डालें। ये देखिए लगभग 2 चम्मच के आसपास घी डाल रहे हैं। और ये देखिए मेरे पास बड़ी इलायची है, इसका मुंह खोल लिए थोड़ा कूट के। और ये 2 से 3 छोटी इलायची, इसको डाल देंगे। ये मिर्चा है गोटा, कड़ा सूखा मिर्चा। और एक दालचीनी है छोटा टुकड़ा दालचीनी, और 2 से 3 लौंग। ये देखिए डाल देते हैं, 1 तेज़पत्ता डाल देते हैं, 1 तेज़पत्ता है। इसको डाल के चावल को भूंज लेंगे, फ्राई कर लेंगे चावल को। 1 घंटा के लिए रख दिया था इसको रेस्ट करने के लिए। देखिए पानी इसका निकल गया है पूरा। और इसको भूज लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। भूज लेना है चावल को, फ्राई कर लेना है थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। लगभग 5 मिनट हो गया है, अब हम उसको उतार लेंगे। ये देखिए सिंपल चावल का यूज कर रही हूँ और उतार लेती हूँ। एक कतरनी चावल है ये देखिए। और अगर आप पुलाव वाला चावल या बिरयानी वाला चावल यूज करते हैं तो उसको 1/2 घंटा पहले
भीगने के लिए डाल दें आधा से एक घंटा के लिए। कुकर बैठा लेती हूँ। आप देखिए निकाल लिए इसको फ्रिज से, पूड़ी की तरह तलेंगे इसको। बहुत ही ठंडा हो गया है आलू, हीट में तलेंगे, पूड़ी जैसा तलना है। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, ज़्यादा नहीं तलेंगे। देखिए पूरा तलना नहीं है, इतना ही गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल देंगे। और बहुत दिन से फ्रेंच के लिए आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे और कॉल्स भी आ रहे थे कि फ्रेंच का आइटम डालिए, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। बच्चे भी तंग कर रहे थे और एक फेवरेट डिश है बच्चों का मेरा। एक्स्ट्रा तेल जो भी है वो दूसरे बर्तन में हटा दें और मैं ड्राई, बिल्कुल ड्राई इसमें रखूँगी, तेल नहीं रहेगा। घी में, रिफाइंड में या जो आप यूज करते हैं उसमें आप इसको तल सकते हैं। इसको पंखा में लेकर रखेंगे 15 से 20 मिनट। चावल को फ्राई करके रखी हूँ, उसके लिए मैं कुकर बैठाती हूँ गैस पे। और बिल्कुल चमचमाता हुआ नया कुकर है, देखिए। मेरा दिक्कत होता था छठ में, उसके लिए मैं मंगाई हूँ। तो पहला डिश मैं आप लोग को दे रही हूँ बना के, ये देखिए। उसके बाद छठ में बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज का है इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। ये देखिए बैठा दिए, कुकर को गर्म होने देते हैं। कुकर गर्म हो गया, इसमें जो बचा कुचल घी है उसको डाल देते हैं, लगभग आधा चम्मच के आसपास डाल दे रही हूँ यहाँ पर। और हीट को कम कर ली हूँ, स्लो कर लिए हैं हीट को। मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी ले रही हूँ, क्योंकि 1 कटोरी मेरा चावल था, कप से दो कप से, और कटोरी से 1 कटोरी चावल था। यहाँ पर 2 कटोरी पानी लेंगे, 2 कटोरी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा सा लगभग 3 से 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए। और आप अगर बासमती चावल लेते हैं तो उसको, उसके लिए आधा कटोरी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें। कुकर मेरा नया है इसलिए पहले मैं इसमें मीठा डालूंगी। ये देखिए पहले मैं घी डाली थी, अब इसमें चीनी थोड़ा डाल देती हूँ, 1 चम्मच छोटा चम्मच से 1 चम्मच चीनी। और उसके बाद आप डालेंगे गरम मसाला, ये देखिए गरम मसाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला। और ये देखिए नमक, जितना चीनी था उतना ही नमक, 1 चम्मच के आसपास छोटा चम्मच से नमक है। और इसमें मैं 1 मिर्च को डालूंगी, हरा मिर्च को, और बाकी सजाने के लिए रखेंगे। ये देखिए थोड़े से काजू डाल देते हैं, थोड़े सजाने के लिए रखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा किशमिश, पनीर डाल देते हैं, डालेंगे बिल्कुल हल्का 1 चुटकी, जल्दी डाल देंगे। चावल को मैं डाल देती हूँ, पानी गर्म हो गया है। और एक कतरनी चावल है मेरा, माफी से लेते हैं तो चावल से 1/2 इंच ऊपर पानी ले। चावल है मेरा, देखिए डाल दिए हम चावल, वो चावल डाले हैं, इससे 1/2 इंच ऊपर पानी ले। और 1 से 2 सीटी लगाएंगे हम। रायता पुलाव है या कुछ भी है आइटम है जिसमें आप रायता खाना चाहते हैं, बिरयानी है तो उसमें मस्ट है। भेज लेती हूँ इसको, थोड़ा भूज लेंगे। गैस को बुझा देते हैं, कुकर उतार लिए, हो गया मेरा, खा लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा खीरा है, ये देखिए 1 चुटकी काला सरसों है, काला सरसों देखिए डाल देते हैं। और 1 लाल मिर्चा हींग डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे। देखिए मैं खीरा को डाल देती हूँ, भूज लेती हूँ, डाल देती हूँ। ये देखिए खीरा कम है इसलिए, बाकी दही में ऐड करेंगे नमक को। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी, इसको मैं उतार लेती हूँ, गैस बुझाती है। ये देखिए इसको उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं, उसके बाद दही में मिलाएंगे। ये देखिए दही, और एक घर का दही है, ऊपर का पानी ले लेंगे, उसके बाद दही ले लेंगे। ये देखिए घर में जमाती हूँ मैं दही को, दही थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, 3 से 4 चम्मच, लगभग 2 कप दही। ये देखिए लगभग 2 कप दही है। देखिए खीरा में भी डालेंगे 1/2 चम्मच, इसमें नमक डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे, काला नमक भी डालेंगे थोड़ा। ये देखिए एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा लेंगे हम, हल्का लेंगे लाल मिर्च पाउडर। और मसाला है, इसका मैं वीडियो डाली हुई हूँ, शॉर्ट वीडियो डाली हुई हूँ अपना चैनल में,
दही बड़ा का मसाला है, इसको थोड़ा डाल देंगे, आधा चम्मच। ये देखिए इसको डाल देती हूँ मैं, खीरा को भूज के रखी हूँ फ्राई करके। आप चाहे तो कच्चा भी बना सकते हैं सलाद, मैं हल्का भूज ली हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे और टेस्टी। और आप मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल में मेरा बने रहिए, इसे सही डाल देती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। 20 मिनट लगभग हो गए हैं, पंखा में मैं रख दी थी सूखने के लिए, और तेज़ हवा में पंखा का मैं गर्म होने के लिए बैठा देती हूँ। फिर से हम इसको एक बार छानेंगे, तल देंगे इसको तेल में। ये देखिए सीटी निकल गया है, इसको खोल लेते हैं कुकर को। ये देखिए खूबसूरत बने हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ बाकी का पनीर है, 2-3 पीस मैं बचा के रखी थी। और ये किशमिश है, ये हरा मिर्चा है, देखिए बहुत खूबसूरत। ये देखिए काजू, इसको मैं चला लेती हूँ, थोड़ा सा मैं पलट लेती हूँ, पलट लेती हूँ इसको, देखिए इस तरह से। पाँच मिनट के लिए, उसके बाद सर्व करेंगे। 5 मिनट रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद सर्व करेंगे तेल का। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, इसको 2-3 मिनट में छान लें, तल लें इसको। ये देखिए खूब गर्म ही छलना है, फिर को गर्म रखना है, बर्तन को थोड़ा ही करना। जलाना नहीं है, इस तरह से लाल करना है और इसको निकाल लें। ये देखिए बाकी को भी तल लेते हैं हम, इसमें जलाना नहीं है, आराम से तलना है। जलने लगे तो थोड़ा फ्लेम को लो कर दें। और आप नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बुझा दी गैस को, हल्का ठंडा होने के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच लगभग छोटा चम्मच चाट मसाला मैं ली हूँ। इसको इस तरह से छिड़क लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे इसमें, और हल्का काला नमक, क्योंकि नमक मेरा पहले से आलू में डाला हुआ है, हल्का नमक लेंगे, काला नमक। देखिए और आप ही ट्राई कीजिए, गर्मा गर्म बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, लंच में दीजिए। ये देखिए 5 मिनट लगभग हो गए हैं, थोड़े से फ्रेंच को मैं इसमें डालूँगी, लगभग आधे फ्रेंच को मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंच राइस बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, ये देखिए बच्चों का पसंद है, लंच में भी दे सकते हैं, झटपट रेडी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए और सर्व करते हैं अब। ये देखिए दोस्तों रेडी है फ्रेंच राइस, और अब इसको मैं थोड़ा फ्रेंच डाल देती हूँ ऊपर से। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी, और आप चाहें तो इसमें हरा धनिया का चटनी भी बना सकते हैं, पुदीने का बना सकते हैं, मैं रायता यहाँ पे बनाई हूँ, रायता के साथ हम लोग खाएंगे।